नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आपको आपके बच्चों को आपके बुज़ुर्गों को रात को सोते समय पैरों में ऐठन होती है ईड़ियों में दर्द होता है पैरों में दर्द होता है और आपको जो है बेचैनी रहती है रात्रि को नींद नहीं आता है बार बार आप इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं लेकिन नींद जल्दी से नहीं आती है पैर में असहनीय पीड़ा होती है असहनीय दर्द होता है खासकर ये दर्द बच्चों को ज़्यादा होता है बुज़ुर्गों को ज़्यादा होता है और नौजवानों को थोड़ा कम होता है लेकिन किसी को भी हो सकता है क्योंकि यह एक आम बीमारी है आम समस्या है और जब पैरों में दर्द ऐठन शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर पर आपको बेचैनी होगी और आपको नींद नहीं आएगी तो आज मैं अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूँ इन बीमारियों की अर्थात पैर में ऐठन मांसपेशियों में खिंचाव दर्द एड़ियों में दर्द पैरों में दर्द बेचैनी अनिद्रा का जो है एक ऐसा आयुर्वेदिक इलाज जो शर्तिया तौर पर जो है आपको सही कर देगा और हर जगह पर उपलब्ध है मार्केट में हर जगह पर उपलब्ध है और आपके आसपास क्षेत्र में भी ये चीज़ें उपलब्ध है तो आइए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि क्या आपको अनिद्रा की स्थिति रहती है रात में आप सो नहीं पाते हैं बार बार आप बेचैनी से उठ करके बैठ जाते हैं पैरों में बहुत अत्यधिक दर्द होता रहता है और आप इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं छटपटाते रहते हैं लेकिन आपको नींद नहीं आती तो आपको बता दें कि आयुर्वेद की मदद से नींद से संबंधित विकारों को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है आयुर्वेदिक उपचार और औषधियों के प्रयोग से निद्रानाश या अनिद्रा का इलाज किया जाता है इन सोमनिया नींद से संबंधित एक विकार है जिसमें व्यक्ति को नींद आने में दिक्कत होती है शारीरिक और मानसिक आराम एवं पर्याप्त मात्रा में नींद लाने के लिए व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर जीवन शैली से जुड़े दिशा निर्देश दिए जाते हैं निद्रानाश को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है पहला तो यह होता है स्वतंत्र निद्रानाश अर्थात प्राइमरी इंसोमनिया और परतंत्र निद्रानाश का मतलब होता है सेकेंडरी इंसोमनिया स्वतंत्र निद्रानाश में इंसोमनिया एक प्रमुख बीमारी के रूप में सामने आती है जबकि परतंत्र निद्रानाश में किसी अन्य बीमारी के लक्षण या कारण के रूप में इंसोमनिया की समस्या होती है तो आपको बता दें कि जो है आयुर्वेद में सोने से पहले कुछ घरेलू उपायों की सलाह आपको दी जाती है जिसकी वजह से जो है आप अपनी इस बीमारी को इस समस्या को जो है दूर कर सकते हैं आयुर्वेद में सोने से पहले कुछ घरेलू उपाय ऐसे हैं जैसे कि दूध पीना शादी या जो है खसखस -खस के बीज खाना गुड़ के साथ पिपली की जड़ खाना आदि शामिल हैं बेहतर नींद के लिए योगासन भी लाभकारी है अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों जैसे कि जटामानसी तगार और सर्पगंधा का इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में इंसोमिया के इलाज में भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित कर व्यक्ति की नींद से जुड़ी आदतों में सकारात्मक बदलाव लाया जाता है तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि ऐसी कौन सी औषधियाँ हैं जिनका आप प्रयोग करेंगे और अनिद्रा में आपको लाभ होगा और बहुत जल्द ही आपकी बेचैनी और अनिद्रा की जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी सबसे पहले तो आप जानिए कि जायफल आप जानते होंगे जायफल जिसे कहते हैं एक प्रकार का मसाला है जायफल में मौजूद घटकों का इस्तेमाल मक्खन और सुगंधित तेल बनाने के लिए किया जाता है इस जड़ी बूटी से बने तेल में औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो कि त्वचा संबंधित विकारों और गठिया के इलाज में मदद करते हैं परफ्यूम और साबुन बनाने के लिए भी इन तेलों का इस्तेमाल किया जाता है अन्य मसालों की तुलना में दर्द निवारक गुणों के लिए जायफल को अधिक जाना जाता है इसमें संकुचक उत्तेजक और वायुनाशी गुण भी मौजूद होते हैं ये असहमिता पेट दर्द चिंता घबराहट और अनिद्रा से राहत पाने में मदद करता है पंद्रह दिनों तक सोने से पहले दूध के साथ जायफल का चूर्ण ले सकते हैं आप इसे चिकित्सक के निर्देशानुसार भी ले सकते हैं फिर दूसरा होता है दोस्तों पिपली मूल अर्थात पिपली की जड़ पिपली में कफ निस्सारक बलगम निकालने वाले दर्द निवारक नाशक, कीड़े मारने वाले और कामोत्तेजक लिबडो बढ़ाने वाले गुण मौजूद होते हैं ये श्वसन और पाचन तंत्र पर कार्य करती हैं पिपली का इस्तेमाल कई रोगों जैसे कि अस्थमा गठिया साइटिका लरिंजाइटिस स्वतंत्र तंत्रों में सूजन और जुखाम के इलाज में भी किया जाता है ये शरीर से अमा को बाहर निकालकर और पाचन अग्नि को बेहतर कर रोग का इलाज करने में मदद करती हैं पिपली की मूल जड़ से बने पाउडर का इस्तेमाल अनिद्रा के इलाज में किया जाता है आप पिपली मूल चूर्ण को पंद्रह दिनों से एक महीने तक दिन में दो बार खाने के बाद गुड़ के साथ या डॉक्टर के निर्देशानुसार आप ले सकते हैं फिर अगली औषधि है दोस्तों सर्पगंधा सर्पगंधा एक प्रकार का पौधा है हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में प्रमुख रूप से सर्पगंधा का इस्तेमाल किया जाता है ये शरीर को आराम और ब्लड प्रेशर के स्तर को सामान्य करने में मदद करता है इस तरह से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी के कारण हुए रोगों के इलाज में मदद करता है ये काढ़े और गोली के रूप में उपलब्ध हैं एवं बुखार पेचिस आंत्र विकार आंतों से संबंधित और उन्माद पागलपन के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके पौधे में शांति देने वाले गुण भी होते हैं जो इसे अनिद्रा के इलाज में उपयोगी बनाते हैं पंद्रह दिनों से एक महीने तक दिन में दो बार खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ सर्पगंधा चूर्ण या डॉक्टर के निर्देश अनुसार ले सकते हैं फिर बात आता है दोस्तों तगार तगार भी एक प्रकार का पौधा है जिसमें सफ़ेद रंग के फूल खिलते हैं आयुर्वेद में तगार को इसकी सामक वायुनाशक और उत्तेजक कार्य के लिए जाना जाता है ये श्वसन तंत्रिका और पाचन प्रणाली पर कार्य करती हैं वात से संबंधित बिकारों के इलाज में तगार को सर्वोत्तम जड़ी बूटी के रूप में जाना जाता है माइग्रेन डिसमिनोरिया जिसे कहते हैं मासिक धर्म में दर्द प्रलाप उलझन में रहना वर्टिगो मिर्गी इंसोमिया और घबराहट के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है तगार खून नसों की नाड़ियों और जोड़ों से अमा को बाहर निकालती है ये गोली काढ़े पाउडर या आसव तरल में जड़ी बूटी को डुबोकर तैयार किया जाता है के रूप में उपलब्ध है आप तगार चूर्ण को पंद्रह दिनों से लेकर एक महीने तक दिन में दो बार खाना खाने के बाद पानी के साथ या डॉक्टर के निर्देशानुसार ले सकते हैं जटा मानसी जटा की जड़ अनिद्रा के इलाज में मानसी भी असरकारी होती है मानसी मस्तिष्क के लिए शक्तिवर्धक के रूप में कार्य करती है ये तंत्रिका तंत्र और दिमाग को आराम पहुंचाती है और वाहिकाओं को चौड़ा करती है इसमें चिंता को दूर करने वाले अवसाद रोधी और ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकने वाले गुण मौजूद होते हैं जटामानसी तनाव को कम करती है और बेहतर नींद लाने में मदद करती है इस तरह जटामानसी तनाव से संबंधित समस्याओं और अनिद्रा के इलाज में उपयोगी है फिर बात करते हैं आपको सर्पगंधा वटी अनिद्रा हाइपरटेंशन और चिंता के इलाज के लिए आयुर्वेद में सर्पगंधा वटी का इस्तेमाल किया जाता है इस मिश्रण में पिपली मूल सर्पगंधा खुरासानी अजवाइन और जटामांसी शामिल है आप सर्पगंधा घनवटी को 15 दिनों से लेकर एक महीने तक दिन में दो बार खाना खाने के बाद पानी के साथ ले सकते हैं अश्वगंधादि चूर्ण अश्वगंधा कार्डियो के लिए शक्तिवर्धक है एवं इसमें जीवाणुरोधी बढ़ती उम्र को रोकने वाले और लीवर को सुरक्षा देने वाले गुण मौजूद होते हैं ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है अश्वगंधादि चूर्ण एक पाली हर्बल दो या अनेक जड़ी बूटियों से बना मिश्रण है जिसमें प्रमुख तत्व के रूप में अश्वगंधा मौजूद होता है अश्वगंधा दिन भर शरीर में ऊर्जा को बनाए रखने और रात के समय बेहतर नींद लाने में मदद करता है इस मिश्रण को विशेष तौर पर त्वचा रोगों जैसे कि सफ़ेद दाग के लिए लेने की सलाह दी जाती है ये समय से पहले बालों के सफेद होने और त्वचा पर झुर्रियाँ आने की समस्या को भी दूर करता है आप चूर्ण को पंद्रह दिनों से लेकर एक महीने तक दिन में दो बार खाना खाने के बाद दूध के साथ ले सकते हैं और यह सभी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा फिर आता है चूर्ण आयुर्वेद के अनुसार सारस्वत चूर्ण के नियमित सेवन से यादाश्त बुद्ध ज्ञान और मानसिक कार्यों में सुधार आता है चूर्ण में काला नमक अश्वगंधा सुंथी सूखी अदरक ब्राह्मी पीपली और अन्य जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं इसका इस्तेमाल कई मानसिक रोगों जैसे कि डिप्रेशन यादाश्त में कमी और मनोविकृति के इलाज में किया जाता है ये बेहतर नींद लाने में मदद करता है और इसी गुण की वजह से ये अनिद्रा के इलाज में भी उपयोगी है आप सारस्वत चूर्ण को पंद्रह दिनों से लेकर एक महीने तक दिन में दो बार खाना खाने के बाद घी के ठो घी जो है क्लैरिफाइड मक्खन वसायुक्त तो मक्खन से दूध के ठोस पदार्थ और पानी को निकालने के लिए दूध की वसा को हटाना यानी घी के आ, साथ आप इसे ले सकते हैं और भी चीज़ें ऐसी हैं जो अनिद्रा में कारगर हैं जैसे कि पौष्टिक एवं आसानी से पचने वाला आहार खाएं सोने से कम से कम दो घंटे पहले डिनर करें आरामदायक बिस्तर पर सोएं और अपने पलंग को किसी शांत एवं आरामदायक जगह पर लगाएं दिमाग को शांत रखें सकारात्मक सोच रखें रात के खाने के समय कुछ समय पैदल चलें रात को सोने से पहले पैरों और सिर की मालिश करें गर्म पानी से पैरों को धोएं और दूध पिएं भैंस का दूध फायदेमंद रहेगा रोज नहाएं सोने से पहले मधुर संगीत सुनें सोने से पूर्व ध्यान यो, योग करें दही घी गन्ना अंगूर गेहूं काले चने दूध शाली चावल और खस खसखस को अपने आहार में शामिल करें अब बात करते हैं दोस्तों कि पैरों के लिए क्या करें पैरों में जो फट फटनी होती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए जो है क्या करना चाहिए कैसे हम घरेलू उपचार से उसे कैसे ठीक कर सकते हैं और बुजुर्गों में अधिक देखने को मिलती थी लेकिन अब 60 प्रतिशत युवा भी इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं इसके पीछे मुख्य कारण बैठने व लेटने की खराब पोजीशन को माना जाता है यह स्थिति सामान्य या फिर अधिक पीड़ादायक हो सकती है इससे राहत पाने के लिए मालिश व स्ट्रेचिंग आदि की जा सकती है पैर का दर्द या ऐठन सबसे ज़्यादा काफ़ मसल्स को प्रभावित करता है यह मांसपेशी टकने से घुटने तक पैर के पिछले हिस्से तक फैली होती है रात के समय पैर में दर्द होने का मुख्य कारण पैरों की खराब पोजीशन हो सकती है इसके अलावा पिंडली के मांसपेशियों के छोटे होने से भी पैरों में दर्द महसूस हो सकता है लेकिन ज़्यादातर मामलों में रात में सोते समय पैर में दर्द या आइठन के कारण का सटीक पता नहीं चल पाता है यहाँ हम इस दर्द के पीछे कुछ कारणों के बारे में आपको बता रहे हैं लंबे समय तक बैठे रहना सही से काम करने के लिए मांसपेशियों को नियमित रूप से स्ट्रेच करने की ज़रूरत होती है लंबे समय तक बैठे रहने से रात में सोते समय पैरों की मांसपेशियों में ऐठन या दर्द हो सकता है अधिक एक्सरसाइज करना अधिक एक्सरसाइज करना भी रात में पैरों में दर्द का कारण बन सकता है अधिक एक्सरसाइज करने से मांसपेशियों पर जरूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है इससे पैरों की मसल्स में ऐठन पैदा हो सकती है इसलिए कहा जाता है कि स्वस्थ रहने के लिए क्षमता अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए गलत पोजीशन में बैठना रात में सोते समय पैर में दर्द होने का एक कारण गलत पोजीशन में बैठना भी हो सकता है पैरों को क्रॉस करके बैठने से पैरों में दर्द हो सकता है क्योंकि इससे काफ मसल्स यानी पिंडली की मांसपेशियाँ खींच जाती हैं जिससे ऐठन हो सकती है देर तक खड़े रहना शोध बताते हैं कि जो लोग दिन में अधिक समय तक खड़े रहते हैं उन्हें रात को सोते समय पैरों में दर्द महसूस हो सकता है ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का खड़े रहने वाला काम है तो उसे थोड़े थोड़े समय के लिए आराम जरूर लेना चाहिए ताकि पैरों की मांसपेशियों को आराम मिल सकें एबनॉर्मल नर्व एक्टिविटी इलेक्ट्रोमोग्राफिक अध्ययनों के अनुसार पैर में दर्द या ऐठन की समस्या कई बार एबनॉर्मल नर्व एक्टिविटी से जुड़ी होती है इस स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है टेंडन का छोटा होना टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है टेंडन सिर और गर्दन से लेकर पैरों तक सभी जगह पाए जाते हैं अकलीज टेंडन शरीर में सबसे बड़ा टेंडन है जब समय के साथ टेंडन का आकार बड़ा नहीं होता तो इसकी वजह से पैरों की मांसपेशियों में अठन व दर्द हो सकता है इस स्थिति को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए ये निम्न स्थितियां भी रात में सोते समय पैरों में दर्द का कारण बन सकती हैं जैसे कि प्रेगनेंसी फ्लैट फीट या स्पाइनल स्टोनोसिस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे मोटर न्यूरान रोग या पेरिफेरल न्यूरोपैथी न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे पार्किसंस रोग मस्कुलो स्केल्टल डिसऑर्डर जैसे आस्टियो अर्थराइटिस हो सकता है लीवर व किडनी से जुड़े रोग थायराइड की समस्या मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज़ हो गया कार्डियोवास्कुलर समस्याएं जैसे हृदय रोग व पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज हो गया स्टैटिन व ड्यूरेटिक जैसी दवाइयाँ ये सभी पैरों में जो है दर्द का कारण बन सकती है पैर और कफ मसल में दर्द रात के समय बढ़ सकता है लेकिन यह आमतौर पर गंभीर नहीं होता जो लोग रात में पैर दर्द महसूस करते हैं ज़्यादातर मामलों में उन्हें चिकित्सा उपचार की जरूरत नहीं पड़ती वो निम्न उपायों के जरिए इस दर्द को कम कर सकते हैं पहला तो है पैरों की मालिश पैरों की मालिश करने से दर्द में काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है इसके लिए किसी तेल या मलहम का उपयोग किया जा सकता है एक या दोनों हाथों से पैर के प्रभावित हिस्से के हल्के हाथों से मसाज की जा सकती है स्ट्रेचिंग पैरों की स्ट्रेचिंग करके भी दर्द को कम किया जा सकता है अगर रात के समय दर्द रहता है तो पैरों की नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करें ज़्यादा स्ट्रेचिंग से भी बचें और इसे क्षमता अनुसार ही करें गर्म सिकाई कर सकते हैं गर्म सिकाई पैर के दर्द को कम करने में असरदार साबित हो सकती है गर्म सिकाई से मांसपेशियों में आई ऐठन को ठीक किया जा सकता है इसके लिए पानी को गर्म करें फिर उसमें तौलिया भिगोएं और फिर उसे निचोड़कर प्रभावित पैर पर रखें इसकी जगह पैर पर गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड भी लगाया जा सकता है गर्म सावर लेने से भी दर्द में आराम मिलता है ओवर द काउंटर दवा रात को सोते समय पैर में दर्द होने पर ओवर द काउंटर पेन किलर दवाइयाँ ली जा सकती हैं जैसे कि नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ जैसे ईवोप्रोफेन और नेप्रोक्सिन दर्द को कम करने में मदद कर सकती है इसके अलावा एसिटामिनोफेन दवा का भी ली जा सकती है बेहतर यही होगा कि दवा लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर आपको कर लेना चाहिए तो दोस्तों अगर रोज रात को सोते समय पैरों में दर्द महसूस होता है साथ ही दर्द की वजह नींद नहीं आती है तो इस स्थिति में डॉक्टर से संपर्क करें पैरों के दर्द या ऐठन को ठीक करने के लिए डॉक्टर मसल्स रिलैक्सेंट दवा लिख सकते हैं साथ ही डॉक्टर पैर में दर्द के असली कारण का पता लगाने में भी मदद करेंगे सोने से पहले पैर व काफ की मसल को स्ट्रेच करने से पैर के दर्द को रोकने में मदद मिल सकती है इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप अपने उठने व बैठने की पोजीशन में भी सुधार कर सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी कुछ समस्याओं को जो है कम करेगा समस्याओं से आपको निजात दिलाएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेलाइकन को प्रेस कर दीजिएगा मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर तब तक के लिए नमस्कार